आपका फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। लगता है बर्फ पड़ने वाली है, बारिश भी हो सकती है। इज एवरीथिंग ओके? आप ठीक तो है ना? जब इंसान की तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज पे हो, या तो बहुत खुश होगा या तो बहुत परेशान। कंपनी क्राइसिस में है मिस्टर अविनाश की। अविनाश सिंह राठौर। अविनाश सिंह राठौर, स्टॉक्स भी गिर गए हैं, मार्केट में रेपो भी कम। जान के बहुत खुशी हो रही है आपको? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। अच्छा खैर, आप छोड़िए, मुझे ये बताइए आपकी कंपनी की हालत कैसे हुई, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। मदद? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आप एक दफा कोशिश तो करके देखिए, शायद मैं आपके कुछ काम आ पाऊँ। कोशिश? बनाने वाले ने क्या वर्ड बनाया ना कोशिश? कहना आसान है, हेल कोशिश। अविनाश, यू गेटिंग मी रॉन्ग। आप एक दफा बता के देखिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, मैं आपके कुछ काम आ पाऊँ। क्या जानना है आपको? मेरा नाम अविनाश सिंह राठौर है, मेरी कंपनी क्रैश हो चुकी है, ये सब पढ़ तो लिया आपने? अविनाश, अखबार वाले दो की चार छापते हैं, आपकी कंपनी की हालत आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा, तो आप एक दफ़ा मुझे बता के देखिए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। आई एम सॉरी बट मैं शायद कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहता हूँ। अविनाश, प्लीज़ प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। देखिए, जैसी हालत आज आपकी है, ठीक ऐसी हालत मेरी कंपनी की कुछ साल पहले थी। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो कंपनी का सारा दारोमदार मेरे ऊपर आ गया, तो मैं इन सब चीज़ों से होकर गुजरा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इस समय क्या बीत रही होगी, तो मैं आपका दुख बांटना चाहता हूँ। आप मुझे बता के देखिए, आपको अच्छा लगेगा, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। प्लीज़ आई इंसिस्ट, आप बता के देखिए। कैसे करेंगे आप मदद? आप मुझे स्टार्टिंग से बताइए, आपने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था, शुरुआत से कैसे आपने सब कुछ स्टार्ट किया था, एक बार आप बता के देखिए। ये भी करके देख लेते हैं। मैंने अपना बिजनेस 4 साल पहले शुरू किया था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद कुछ दोस्तों और अंकल की मदद से मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की, ASR सर्विसेज, अविनाश सिंह राठौर सर्विसेज।
बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हमने नया ऑफिस कम सर्विस सेंटर भी शुरू किया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं देखी थी और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, तो मुझे लगने लगा कि मैं कभी हार ही नहीं सकता और मेरा हर आइडिया सक्सेसफुल ही होगा। इस भ्रम में मैंने कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए एक आइडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी और वो आइडिया पूरी तरह फेल हो गया, सारा पैसा डूब गया। देखते ही देखते एम्प्लॉयज भी कम हो गए, मार्केट में रेपो भी डाउन, ऑर्डर्स मिलना भी कम, क्रेडिटर्स बैंकर्स सबने हाथ खींच लिए और कंपनी क्राइसिस में चली गई। तो यही था सब कुछ, कैसे कैसे क्या हुआ था। तो अब क्या मदद करेंगे आप मेरी? मेरा नाम विक्रम राजवंशी है, मैं इस समय शिमला का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ये रहा 5 करोड़ रुपए का चेक, आपको इस समय इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप इसको रखिए, हम ठीक 1 साल बाद यहाँ मिलेंगे, तब आप इस चेक को वापस कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मेरा नाम विक्रम राजवंशी है, क्या करूं? एक तरफ मेरी कंपनी है जो डूबती जा रही है और दूसरी तरफ एक अनजान आदमी मुझे 5 करोड़ रुपए का चेक दे गया। इस बात की क्या गारंटी है कि ये चेक असली है या नकली? पर जिस तरह से वो बोल रहा था, ये रहा 5 करोड़ रुपए का चेक, ये बात तो सच है कि इस चेक से मेरी हिम्मत बढ़ गई है, न जाने क्यों इस चेक पर विश्वास करने को मन कर रहा है। पर उस आदमी ने मेरी मदद क्यों की? शायद इसलिए क्योंकि किसी टाइम पे वो भी ऐसी सिचुएशन में था। हाँ, लेकिन इस बात की भी क्या गारंटी है कि फ्यूचर में मेरी कंपनी की हालत दोबारा ऐसी नहीं होगी? तब कौन सा चेक बचाएगा मुझे? जिंदगी में ऐसे तूफान तो आते रहेंगे,
तो हर बार मैं एक चेक के इंतजार में तो नहीं बैठा रहूंगा, तो क्यों ना इस बार लड़कर ही देखा जाए। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो अल्टीमेटली ये चेक तो है ही ना मेरे पास। हाँ, ये कंपनी पहले भी जीरो से शुरू हुई थी और दोबारा हो सकती है, बस थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। मेरे पास मौका है सब कुछ वापस पाने का। यस, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, बिकॉज मनी इज नॉट एवरीथिंग, विल इज एवरीथिंग, विल टू गेट गोइंग। और एक साल बाद मैं उन्हें उनका चेक एज इट इज वापस कर दूंगा। हाँ, एज इट इज वापस कर दूंगा। एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करो, मैं एक घंटे में ऑफिस आ रहा सबको। जैसे पता है हमारी कंपनी की क्या कंडीशंस चल रही हैं इस टाइम पे। हमारे स्टॉक्स गिर चुके हैं, मार्केट में वैल्यू कम हो चुकी है एंड ऑल एंड, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि उसे वापस कैसे लेके आया जाए। तो हमें उस राह की खोज में जाना चाहिए जो हमें पता है, या उस राह की खोज में जो हमें नहीं पता। जो नहीं पता ऑब्वियसली। तो चलते हैं उस राह की खोज में। शुरुआत से शुरू करेंगे, नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट्स।
एक्सक्यूज मी मिस्टर विक्रम, मिस्टर विक्रम मैं अविनाश, एक साल मिले थे आप यहाँ पे, ये चेक दिया था आपने, आप मिस्टर विक्रम राजवंश? I'm sorry, इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया? ये क्यों मुझे परेशान करेंगे, ये तो मिस्टर विक्रम राजवंशी हैं। इन्होंने आपके साथ भी, ये अक्सर यहाँ के बैठ जाते और सबसे यही कहते हैं कि ये शिमला के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, पर असल में इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। चलो चलो, हमें बड़े साहब ने बुलाया है। लेकिन ये चेक, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। आई एम सॉरी।